हाउ टू एड लिंक का फाइल या फिर जो इमेज डालना है या फिर ऑडियो वीडियो डालना है, ऑडियो वीडियो का अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। वो HTML फाइल में पढ़ना है, अभी HTML 4 में पढ़ रहे हैं कैसे कैसे भी। तो डालते हैं लिंक, डालते हैं हाउ टू एड लिंक, एडिंग फाइल कह सकते हैं, लिंक कह सकते हैं, जो भी आपको कहना है वो कह सकते हैं। तो इसका टैग है क्या है, इसको इसको नाम दिया गया है एंगुलर टैग, एंगुलर टैग नाम दिया गया इसका। इसका ए स्पेस एच आर ई एच रेफ, उसके बाद इसका टू लिंक, सोर्स फाइल जो भी हमारा दिया हुआ है, और वो सेव होना चाहिए। ध्यान देने की बात यहाँ पे है, सेव होना चाहिए डॉट एच टी एम एल, या फिर एच टी एम एल, दोनों में से कोई क्लोज, ऐसे क्लोज हो जाएगा इसमें टेक्स्ट करेंगे लिंक को टेक्स्ट। तो ये तो मैंने वही है ना सोर्स। अब जैसे कि हमारा कहाँ पे सेव है फाइल, जैसे अपन ने सी ड्राइव में सेव कर रखा है जो भी फाइल, जैसे कि इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट इन्फो में इन्फो नाम का कोई फोल्डर अपन ने बना रखा है, कोई फोल्डर फाइल अपन ने सी ड्राइव में बना रखा है, ठीक है। सी ड्राइव में, सी ड्राइव के बाद इंस्टीट्यूट नाम का कोई था इंस्टीट्यूट, उसमें हम लोगों ने बना रखा है इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन। अब इस पेज को मैं चाहूँ कि जैसे इंस्टीट्यूट यहाँ पे आके लिंक कर दूँ, ठीक है। तो मैं पूरा एड्रेस लिखूँगा जहाँ पे हमारा काम है, सी है, सी के बाद क्या है इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट लिखूँगा, इंस्टीट्यूट के बाद फिर क्या है इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन बस हो गया, हो गया ना। दूसरा इमेज, इमेज का भी है, ये तो हो गया कि हमारा फाइल लिंक हो गया। हाँ, अब इमेज, इमेज कह रहा हूँ, अगर इमेज आपने लगाया, इमेज का टैग लगाया आपने, ये अपन ने लगाया कौन सा एंगुलर टैग फाइल फाइल अटैच करने का, अगर इमेज का टैग लगा रहे हैं तो इस तरह का इमेज इस तरह का खुलता है और इस तरह का करप्टेड दिखा देता है, या तो ऐसे कुछ करके दिखा देता है, वो करप्टेड दिखाता है। तो ये फर्क है, अगर साइट करप्ट हो रहा है या फिर पूरा जो भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो दो तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सा वो टैग लगा के रखा है। ये सब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट में लगा देना, इसका कुछ नहीं, मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। तो इमेज टैग हम लोग यूज करेंगे, इमेज का क्या है, अरे यार खत्म हो जाता है, आई एम जी इमेज टैग, इमेज टैग क्या है आई एम जी एस आर सी, और इसके बाद सेम प्रोसेस, कहाँ पे हमारा फाइल है सोर्स फाइल, जो भी हमारा है सोर्स फाइल डाल देंगे। नहीं, इमेज डॉट एच टी एम एल कैसे होता है, जैसे डालना हो आप वहाँ डाल देंगे, डाले हाँ। एक चीज़ और, मैंने जैसे एच आर टैग में बताया था कि इसका हाइट बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, साइज जो आप डिफाइन करना चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं, उसी तरह से इमेज टैग में भी आप अगर चाहें तो हाइट लगा सकते हैं, विड्थ लगा सकते हैं इसका। बस हाइट, हाइट कितना डालना है वो डाल देना है, पिक्सल में, परसेंटेज में, या फिर सेंटीमीटर, जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिएगा। उसी तरह से विड्थ में तो वैसे ही आएगा, अगर आपने हाइट लगा के रखा है 4 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ का 4 सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा, या फिर पिक्सल लगा के रखा है 4 पिक्सल 3 पिक्सल जो भी आप लगाएंगे उसी तरह से हाइट का इमेज हो। ये आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तब समझ, मैं कोड लिख दूंगा तो उसी को समझ में आने वाला है नहीं, तब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तब तक होगा। इसका सिंपल मतलब कोड क्या है, ये इमेज एस आर सी स्कल टू साइन ऑफ कोलोन, सोर्स कोड आपने कहाँ सेव कर रखा है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, उसका एक्सटेंशन क्या है वो भी लिखना पड़ेगा,
जैसे कि वहाँ पे हम लोग HTML लिख रहे थे ना, तो इसका हाँ ये जो इमेज है वो कौन से फॉर्मेट में है, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, जो भी आपको डालना है सब यहाँ चल जाएगा, बस लेकिन डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर अपना सी में है, सी में है और इमेज में है, इमेज में है और किसी नाम से है, तो जो भी नाम होगा उसका, उसके बाद डॉट जो भी हमारा फॉर्मेट होगा, क्या हो सकता है, JPG हो सकता है, JPEG हो सकता है, जो भी होगा उसको कर देना है, फिर डबल कोलन से क्लोज कर देना है। हो गया, कुछ गलत नहीं रहा है ना, ऊपर जा रहा है, रन करके देख लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं देख लूँगा बाद में, रन करने पर ही पता चलेगा कि क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है, क्योंकि कोड लिखने में भी कहीं मिस्टेक हो सकता है, बट जब आप रन करके देखिएगा तो सारा कुछ सही हो जाएगा। तो वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सही ही लिखूँ अब तक तो सही ही लिख रहा हूँ। हाइट बता दिया और इसमें कुछ नहीं है, TTR भी बता दूं? हाँ नहीं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, कुछ बचा हुआ है तो देख लीजिए, कुछ टैग अगर बचा हुआ है तो। ये तो क्लियर हो रहा है ना, इमेज कैसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, नहीं हो रहा है तो देख लीजिए ना, ये इमेज है और इसी को ले लेते हैं सिंपल, ये इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन नाम का तो हमारा फाइल सेव है .jpg, ठीक है, JPG में सेव है हमारा, उसी को दो तरह से एक शॉर्टकट बता देता हूँ, लिखने में भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या करेंगे, जाके फाइल ओपन करेंगे जहाँ हमारा सिस्टम में सेव है, वहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे इसको, कॉपी करके ला के हमें पेस्ट कर देंगे, मतलब इधर कम होने का चांस इससे होता है, ये हंसने वाली बात नहीं है, इससे एरर कम होता है, नहीं तो पता चलेगा कि सी में बस ये कोलोन छूट गया, सब कुछ सही है और वो कोलोन इतना सा है कि दिखेगा भी नहीं कि कहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर से बचने के लिए इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, टाइम हो जाएगा, अपन ने ऐसे ही सीखा है पहले लिखते थे तो पता ही नहीं चलता था, फिर लिखना सीख लिया तो हमारे टीचर ने बताया कि हाँ इसको ऐसे कॉपी करके भी कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया ठीक हो गया ना, मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, चलिए और कुछ, मोहम्मद कैफ HTML पढ़ना था, मैं HTML पढ़ा दिया पूरा का पूरा, पढ़ा दिया तो क्या, दो घंटे से क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यू, चलो थैंक यू, नहीं हाँ ओके थैंक यू, देखते हैं कुछ दूसरा चीज़।